हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाले सेकेंड सेमीफाइनल मैच T20 वर्ल्ड कप का। आपको पता है कि जब तक ये सेकेंड T20 मैच फाइनल सेकेंड फाइनल सेमीफाइनल मैच होगा, तब तक जो है हमें जो पहला फाइनलिस्ट होगा वो जो है पता चल चुका होगा। और उसके बाद से जो है यहाँ पे दोनों टीमों पर प्रेशर रहेगा कि ये जो है उस टीम के साथ कैसा खेलना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले ये मैच जो है वो जीतना रहेगा। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि इंग्लैंड और इंडिया दोनों की जो अभी हालत है उसको हम लोग प्लेयर वाइज प्लेयर जो है वो डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कितना फॉर्म में है और किस तरीके से ये मैच जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, बेल बटन क्लिक कर लो। साथ में आप जो है अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट उठा सको, चाहे वो विनर हो, सेशन हो, एंट्री हो। वर्ल्ड कप के बाद भी आपको बहुत सारे लीग चलने वाले हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेज होने वाले हैं, तो वहाँ पे आप इन सबका प्रॉफिट जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर उठा सकते हो विनर सेशन एंट्री में। और आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये आप शुरुआत कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो होगा सेकेंड सेमीफाइनल मैच होगा और आपको देखने को मिलेगा ये होगा थर्सडे को, यानी कि नवंबर 10, और टाइमिंग होगा 1:30 इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे आप एडिलेड ओवल, एडिलेड में जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एडिलेड ओवल का, तब देखोगे ये जो है एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड पिच है, ये बैटिंग ग्राउंड जो है आपको ये बैटिंग ग्राउंड पिच है। और यहाँ पे जो लास्ट के मैचेज हुए थे उनमें हमने देखा भी कि लास्ट के जो यहाँ पे मैचेज हुए थे एक काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे रन बना हुआ। और जैसे जैसे यहाँ पे मैचेज होते जाता है ना, आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे जैसे मैचेज निकलते जाता है उस सिनेरियो में आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है कि जैसे जैसे मैचेज निकलते जाता है पिच जो है वो स्लो होते जाता है और बॉलर को जो है ज़्यादा मदद मिलती जो है वो जाता है। और इसका रीज़न ये होता है कि आप देखोगे कि अभी जो ग्राउंड था ना वो अर्ली समर था, तो अर्ली समर में जो है थोड़ा सा बारिश का कंडीशन भी था, पिच भी थोड़ा सा आउटसोल्ड आउट जो है आउ, आ, जो आउट है आउटसाइड द पिच एरिया वो भी जो है स्लो होता थोड़ा सा स्लो हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ पे जो है वो समर जो है वो स्टार्ट होते जा रहा है, गर्मी थोड़ा सी पड़ती जा रही है और धीरे धीरे जो थोड़ा सा गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसा मौसम आएगा कि आपको जो है पिचेज जो है वो आउटफील्ड वो भी तेज़ होगी, पिचेज जो है वो भी तेज़ होगी। और वैसे भी ड्रॉप इन पिचेज है तो ड्रॉप इन पिचेज जो है ज़्यादा तेज़ तो वैसे भी होती नहीं है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का जो है ग्राउंड आपको जरूर देखने को मिल सकता है, और जिसका ये मतलब हो सकता है कि यहाँ पे बैटिंग करते हुए शुरुआत में जो बैटिंग करेगा उसके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, थोड़ा सा लास्ट में बैटिंग करेगा उसके लिए जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी जो है यहाँ पर बढ़ते जाएगा। और वैसे भी जब सेमीफाइनल होता है या फाइनल होता है तो सेकेंड बैट करना बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम होता है और फर्स्ट बैट करना जो है थोड़ा सा आराम वाला जो है वो काम आप कह सकते हो, थोड़ा सा नॉर्मल वाला जो है वो काम रहता है, लेकिन जब फर्स्ट बैट होता है तो बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल यहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप एवरेज रन देखोगे तो एवरेज रन जो है यहाँ का है 140 और 150 के आसपास है, जो है 170 के आसपास। और यहाँ का जो है आप देखोगे कि अगर टारगेट यहाँ पे 180 से 190 के आसपास बनता है तो एक बहुत ही अच्छा टारगेट होगा और सेमीफाइनल के लिए हासिल, चाहे वो कोई भी टीमें बनाए दोनों टीमों में से। लेकिन अगर 170 के आसपास बनता है तो एक काफ़ी अच्छा 170-160 के मैच अगर बनता है तब बहुत ज़्यादा जो एक फाइटिंग वाला मैच देख सकते हो यहाँ पे, कि जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो है वो फाइट करना पड़ेगा दोनों टीमों के। अब हम लोग बात करते हैं तो लास्ट यहाँ के अगर मैचों की हम लोग बात करते हैं, लास्ट 10 मैचों में जो है यहाँ पे 7 मैचेज जो है फर्स्ट बैट जीता है और 3 जो है सेकेंड बैट जीता है, जिसकी आप इस आंकड़े से आकलन कर सकते हो, देख सकते हो। फर्स्ट बैट एवरेज जो है यहाँ पे 180 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी के हिसाब से जो है उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर बनना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैचेज ऑलरेडी हो रखे हैं, ड्रॉप इन पिचेज है और साथ में सेमीफाइनल का प्रेशर रहेगा। तो सेमीफाइनल में दो ही चीज़ें होता है फाइनल सेमीफाइनल में, या तो जो है वो वन साइडेड मैचेज होता है या बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाला मैचेज होता है। तो वन साइडेड मैचेज होगा तो उसमें एक ही सीनरी होता है कि या तो बहुत ज़्यादा कम रन बनेगा या फिर जो है वो रन ही बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं बनेगा, ये सीनरी जो है वो रहता है। अब यहाँ पे वेदर फोरकास्ट देखोगे तो टेम्परेचर जो है 10 से 15 डिग्री के बीच में रहने वाला है, बारिश चांसेस 20% के आसपास है, थोड़ा सा कम है तो ज़्यादातर चांसेस है कि मौसम बिल्कुल साफ है, तो मैसेज आपको पूरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम टॉस की बात करते हैं, इंडिया के ज़्यादा चांसेस है कि टॉस जीत जाए, पहले बैटिंग करना जो है पसंद करेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग टीम न्यूज़ की बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से देखोगे तो रोहित शर्मा लीड करेंगे। इसके अलावा दिनेश कार्तिक और पंत में जो है वो आपको थोड़ा सा वहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा कि जिस तरह का इंग्लैंड का जो है वो आपको एक तरीके से जो इनका स्क्वाड है उसके हिसाब से जो है पंत को यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि लेफ्टी जो है वो होना चाहिए स्क्वाड में। और इसके अलावा देखोगे तो चहल और अश्विन से जो है ये बॉलिंग का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो या फिर अश्विन को जो है वो बाहर रख दिया, लेकिन चांसेस बहुत कम है, या तो अक्सर या फिर जो है वो चहल, तो लेकिन चहल को एक भी मैसेज खिलाया नहीं गया पहले, तो चांसेस कम है कि चहल को जो है यहाँ पर चांसेस मिलेगा, जो प्लेइंग 11 है वही जो है सेम रहने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से,
तो आप देखोगे तो यहाँ पे जॉस बटलर जो है लीड करेंगे, और जो लास्ट इनका जो प्लेइंग इलेवन आ रहा है वो काफ़ी इंपैक्टफुल प्लेइंग इलेवन है और उन्होंने मैचेस जीते भी हैं, तो ये चाहेंगे कि उसी प्लेइंग इलेवन के साथ जो है वो यहाँ पे जाए। और वो सबका मानना भी है कि इसी प्लेइंग इलेवन के साथ जाना चाहिए, कि जिस तरह का अभी जो है वो सीनरी चल रहा है उसके हिसाब से जो है आप देखोगे तो यहाँ पे वही प्लेइंग इलेवन जो है एक बढ़िया प्लेइंग इलेवन भाई इंग्लैंड के लिए बन रहा है। अब देख लेते हैं हम लोग प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग में एक बार देखते हैं, तो देखोगे कि आपको अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का, तो इंडिया की तरफ से देखोगे तो रोहित शर्मा का बल्ला जो है अभी अच्छा से नहीं चला है। आप कहोगे 50 रन इन्होंने बनाया था, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ बनाया था, तो नीदरलैंड के खिलाफ 50 रन बनाना जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, बाकी की टीमों के खिलाफ जो है चलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करते हैं तो सेमीफाइनल फाइनल में जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड के खिलाफ जो है अगर आप फर्स्ट बैट करते हो तो भी आपको 190 के आसपास जो है जाना पड़ेगा। केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव का जो है फॉर्म काफ़ी अच्छा है, हार्दिक पांड्या का जो है फॉर्म पिछले एक दो मैचों से आप देखोगे तो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो नहीं अभी आ रहा है, जो आप कहोगे सीनरियों में तो है उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं आ रहा है, बॉलिंग में भी जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं आ रहा है और बैटिंग में भी जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं आ रहा है जैसे शुरुआत में जो है वो आ रहा था। तो हो सकता है कि ये दो एक दो मैच जो बचे उनमें जो है एक अच्छा सा जो है इम्पैक्टफुल आए। इसके अलावा दिनेश कार्तिक और पंत दोनों की अगर हम लोग बात करते हैं, दोनों जो है ये अभी फॉर्म में नहीं है, और अब दोनों जो फॉर्म में नहीं होते हैं तो अब जो है यहाँ देखो अभी रोहित शर्मा का फॉर्म देखने को नहीं मिला है, दिनेश कार्तिक पंत का फॉर्म देखने को नहीं मिला है, अक्षर पटेल का फॉर्म देखने को नहीं मिला है, तो चहल अश्विन का भी जो है उतना अच्छा फॉर्म नहीं देखने को मिला। तो अब देखोगे अभी की सीनरी में अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित शर्मा को चलना बहुत ज़रूरी है, पांड्या का जो है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस और कड़क परफॉर्मेंस आना जरूरी है, इसके अलावा जो है दिनेश कार्तिक या फिर पंत का और अक्षर पटेल और अश्विन का। तो आप देखोगे कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो इंडिया अभी जो भी मैचेस जीत रहा है वो जो है इन तीनों के भरोसे, उसके अलावा आप देखोगे तो एक पांड्या जो है ले लो इसमें, और उसके अलावा जो है जो तीन बॉलर हैं इनके भरोसे अभी जो है मैचेस जीत रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी दिन बचे हैं एक अच्छा सा प्रैक्टिस हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये कमबैक कर सके, क्योंकि आपके पूरे 11 के 11 जो प्लेयर्स हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी जब आप स्टेज पे आ जाते हो मैचेज में तो वो बहुत ही ज़रूरी रहता है कि आप इन 11 के 11 का जो है परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अगर इंग्लैंड तरफ से, तो इंग्लैंड तरफ से आप देखोगे तो यहाँ पे एलेक्स वेल्स और जॉस बटलर ये दोनों का परफॉर्मेंस जो है कभी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा लास्ट मैच में बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था, बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस जो देखने को मिल गया, लियाम का भी जो परफॉर्मेंस अभी ठीक है, हैरी बुक्स का भी जो है ठीक है, मोइन अली का भी जो अभी ठीक है लेकिन उतना इंपैक्टफुल अभी नहीं आ रहा है, सैम करन का बहुत ही बढ़िया है, लास्ट मैच में क्रिक्स वेक्स का भी जो है वो देखने को मिला था, मार्क वुड जो अभी काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो अभी इंग्लैंड के लिए वीकनेस जो है वो है डेविड मिलान, हैरी बुक का जो है वो अभी उतना ज़्यादा चांसेस भी तो जो है उतना अच्छा नहीं मिला। इसके अलावा जो आप देखोगे तो यहाँ पे मोइन अली को जो है थोड़ा सा मार जरूर पड़ रहा है, इसके अलावा आदिल रशीद और क्रिस वेक्स को जो आप देखोगे तो ये जो है अभी के लिए इंग्लैंड का जो है वो थोड़ा सा वीक कड़ी जो है आप इनको कह सकते हो, बाकी जो टीमें जो है वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो आप देखोगे कि इंडिया जो है रिसेंट 5 मैचों में से 1 हारा है और 4 जीता है, और इंग्लैंड जो है रिसेंट 5 मैचों में से 3 जीता है, 1 हारा है और 1 जो है इनका मैचेज नन रिजल्ट हो गया था। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे हेड टू हेड करते हैं, दोनों टीमें जो अभी तक 22 मैचेस खेल चुकी है जिनमें से इंडिया 12 जीता है, इंग्लैंड जो है वो 10 जीता है, ये T20 मैचेस की बात हो रही है। ड्रीम इलेवन टीम अभी देखेंगे लेकिन उससे पहले अभी तक मुझसे नहीं जुड़े रही जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये आप शुरुआत कर सकते हो। तो चलो एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। तो अब बात करते हैं हम ड्रीम इलेवन टीम का, तो ड्रीम इलेवन टीम में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे बात करते हैं कि विकेट कीपर किसको लेके चलना है, तो विकेट कीपर में आप देखोगे कि यहाँ पे जॉस बटलर से बढ़िया जो है कोई ऑप्शन अभी है नहीं इस स्क्वाड में। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग की, तो बैटिंग में कोहली यादव को ले लो आप, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे एलेक्स वेल्स को ले सकते हो, इसके अलावा केएल राहुल का फॉर्म भी जो अभी अच्छा चल रहा है तो आप इनको पिक कर सकते हो, और इसके अलावा आप और भी टीमें बना सकते हो जहाँ पे आप लेना चाहो, तो जैसे मोइन अली हो गए या फिर रोहित शर्मा इनको आप पिक कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो अच्छे फॉर्म में है उसको पिक करो, कोई डाउट नहीं है इसमें। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ऑलराउंडर में आप यहाँ हार्दिक पांड्या को ले सकते हो, बेन स्टोक्स सैम करन का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है तो आप पिक करके चल सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे मार्क वुड का फॉर्म अच्छा है, अर्शदीप का फॉर्म बहुत ही अच्छा है, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे भुवनेश्वर क्रिस वोक्स बच जाते हैं या फिर अश्विन बच जाते हैं तो आप इनको जो है पिक करके चल सकते हो, लेकिन जिस तरह का पिच है एडिलेड में अश्विन थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो हम लोग यहाँ पे अश्विन को ले लेते हैं, या फिर इसके अलावा जो है आप चाहो तो अक्षर पटेल को भी जो है पिक करके चल सकते हो, ये ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का, तो कैप्टन के तौर पे जो है आप यहाँ पे या तो सैम करन को लेकर चल सकते हो या फिर हार्दिक पांड्या को ले सकते हो, या वाइस कैप्टन को उल्टा कर सकते हो, बेन स्टोक्स भी ऑप्शन है, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, जॉस बटलर ये सारे जो है बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर जो है यहाँ पे पिक करके चल सकते हो, क्योंकि इस ग्राउंड पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो टीम प्रीव्यू, और इस टीम के साथ जो है आप कोई भी लीग खेल सकते हो,
इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।